नहीं, हेलो एवरीवन, मैं मेरा फर्स्ट व्लॉग बनाने जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि कैसे बनता है व्लॉग। तो अभी इतनी देर से तो मैं यूट्यूब पे बस वीडियो सर्च कर रही थी कि फर्स्ट व्लॉग में लोग करते क्या है, कैसे स्टार्टिंग करूँ मैं मेरे व्लॉग की, तो कुछ आइडिया नहीं मिला। तो फिर मैंने ऐसे ही चालू कर रही हूँ अब मैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। और इस वक्त हूँ मैं मेरे हॉस्टल रूम में, मैं सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ जो कि बीकानेर में है और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है राजस्थान का, और स्टडी के मामले में नंबर वन पे है फिलहाल ये। कंपटीशन में रहता है, मतलब एम्स जोधपुर और SMS में। मैं आपको मेरा हॉस्टल रूम टूर दूंगी, साथ में पूरा हॉस्टल का फी स्ट्रक्चर और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो फिर एक वीडियो बना रही हूँ मैं, ये मेरे से नहीं बन रही। मैं देखो, मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ तो कोई कमी वमी मत निकाल देना, मुझे डिमोटिवेट मत कर देना कोई भी, और अच्छी कर रही तो तारीफ कर देना, ठीक है? और उसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। पहले मैं वीडियो तो कुछ तो दिखाऊं वीडियो में, ठीक है? ठीक है, आपको मैं मेरे ब्लॉगिंग चैनल में दोनों साइड की वीडियोस दिखाऊंगी, मेरे कॉलेज की भी और घर की भी। तो जिसको जैसा इंटरेस्ट हो, जो जो देखना चाहे वो देख ले। मेनली तो मैं मेरे कॉलेज की बात करूंगी कि यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, कैसा क्या है, रहने का सिस्टम क्या है, कितनी फैसिलिटीज़ है और कितना अच्छा कॉलेज है या कितना बुरा कॉलेज है। गर्ल्स हॉस्टल दो हैं यहाँ पे, एक ओल्ड हॉस्टल है एक न्यू हॉस्टल है। तो जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं वो पहले ओल्ड हॉस्टल में रहते हैं जिसकी बिल्डिंग ऑलमोस्ट गिरने वाली है, और दूसरा है ये न्यू हॉस्टल जो अभी अभी बना है, मतलब अभी तो नहीं, मतलब हो गए बहुत साल, लेकिन हाँ मतलब नया है। और जो ओल्ड हॉस्टल है उसमें ट्रिपल सीटर ही है मेरे ख्याल से, ट्रिपल सीटर है और शायद सिंगल भी होंगे, हाँ सिंगल है, सॉरी मैं खुद रही थी मैं भूल गई। हाँ तो ओल्ड बिल्डिंग में ट्रिपल सीटर रूम्स हैं। कैमरा एंगल कितना ख़राब रख रही हूँ मैं, सही है क्या? हाँ इधर रहते हैं। तो ओल्ड हॉस्टल में सिंगल सीटर भी है, ट्रिपल भी है, डबल का याद नहीं मुझे, है ना? तो वहाँ जाके ही देख लेंगे अपन दोबारा, हॉस्टल टूर वहाँ का भी करा दूंगी मैं। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वहीं रहने को मिलता है क्योंकि सीनियर्स से अलग रखा जाता है ताकि रैगिंग ना हो, और मतलब थोड़ा खुल जाए तब तक जूनियर्स भी, उनको मतलब ऐसा होता है ना, नए नए बच्चे आते हैं तो डर लगता है कि भाई रैगिंग ले लेंगे या क्या हो जाएगा। तो मुझे भी लगा था जब मैं आई थी तो, लेकिन बाद में पता चल गया कि बहुत फ्रेंडली होती है गर्ल्स में, तो एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है। इंट्रोडक्शन ले सकते हैं आपका कि आपका नाम क्या है, क्या हॉबी है, ऐसा डांस वांस हॉबी बताओगे तो डांस करवा लेंगे, बाकी और कुछ इतना रैगिंग तो नहीं है। उसके अलावा मतलब मैंने तो नहीं की अभी तक, होती होगी तो मुझे नहीं पता। तो ओल्ड हॉस्टल वाला हम आपको टूर बाद में देंगे। न्यू हॉस्टल में अभी फ़िलहाल मैं रह रही हूँ, मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, मतलब बहुत सारे तो क्या, तीन बिल्डिंग है मेनली, एक सिंगल सीटर की बिल्डिंग हो गई, एक डबल सीटर की हो गई और एक ट्रिपल सीटर की है। तो अभी तक फ़िलहाल मैं डबल सीटर में रह ली हूँ, और अभी इस वक्त एट प्रेजेंट मैं ट्रिपल सीटर में हूँ, और नेक्स्ट ईयर मुझे सिंगल सीटर मिल जाएगा। मतलब ये सीनियर वाइज मिलता रहता है कि जो सीनियर है उनको पहले चूज़ करने का मौका मिलता है रूम। और बैच में, इन द बैच मार्क्स वाइज मिलता है कि भाई आपने उस साल कितने मार्क्स, मतलब रैंक लिस्ट बनती है एक तरीके से, क्या रिजल्ट रहा उसका। तो अभी जो मुझे ये रूम मिला है ये मेरे सेकेंड ईयर के मार्क्स के बेस पे मिला है, और जो फर्स्ट ईयर में रूम मिलता है
मिलता है वो नीट के मार्क्स के बेस पे मिलता है। नीट में आपके जितने भी मार्क्स आए उनमें पूरी रैंक वाइज लिस्ट बनेगी, जो फर्स्ट रैंक होगा उसको उसके पसंद का रूम मिलेगा। इसकी फीस स्ट्रक्चर मैं आपको फोटो दिखा दूंगी, मैं इधर दिखा दूंगी मैं आपको फोटो पूरा फीस स्ट्रक्चर की, कि क्या हॉस्टल की फीस है इस साल मैंने भरी है ना, तो वो उसकी फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अच्छा ठीक है, तो अब बहुत देर हो गई है, अब मैं आपको रूम टूर दे ही देती हूँ। मेरा शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, बाहर से स्टार्ट करते हैं। ओ सॉरी, उनको बहुत शर्म आती है, तो अभी कोई आ रहा है, जब रास्ता एकदम साफ होगा तभी मैं वीडियो व्लॉग बनाऊंगी। धीरे धीरे खुल जाएंगे अपन, अभी अभी तो फर्स्ट व्लॉग है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो अब हम रूम के अंदर चलते हैं। ये मेन गेट खुलते ही ये ऐसा पोर्शन दिखता है, सामने एक बड़ी सारी विंडो है जो कि बढ़िया रोशनी देती है रूम में। और ये जो है ये मेनली ये वाला जो है ये मिडल पोर्शन है, यहाँ पर मतलब बेड लगा सकती है, और इधर इधर वो हैंगर है कपड़े लटकाने का, इधर ये बटन हो गए, ये अपना सेंटर पोर्शन हो गया। ठीक है, ये गेट अपना जिससे अपन एंटर हुए थे अभी, इसके नीचे यहाँ पर ये कार्डबोर्ड चिपका रखा है, क्योंकि यहाँ पे चूहे बहुत हैं तो उससे बचने के लिए यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा रखा है। ये सेंटर वाली जो जो भी लड़की होगी उसका उसकी अलमारी है ये, इसमें फ़िलहाल हमने दोनों ने अपना सामान रख रखा है। और ये बाकी ये मिडल पोर्शन हो गया। उस साइड मतलब ये तीन पोर्शन है, ऐसे थोड़ा सेपरेशन भी दे रखा है हल्का सा, ये पर्दे तो हमारे खुद के ही हैं, बाकी वैसे थोड़ा सा ऐसे दीवार का पोर्शन सा ऐसे दे रखा है तो लगता है थोड़ा अलग है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरी फ्रेंड का है, इसने पूरा अच्छे से सजा रखा है, अभी मैं नहीं दिखाऊंगी ज़्यादा, वो आएगी तभी दिखाएंगे उसका रूम टूर, तब उसका कर देंगे। तो ये उसका पोर्शन हो गया, और इस साइड है मेरा पोर्शन, मैंने भी पर्दे लगा रखे हैं, और ये मेरा प्यारा सा क्यूट सा पायदान। यहाँ पे बालकनी भी है, तो ये बालकनी का गेट हो गया, और इधर सामने ये मेरी स्टडी टेबल है, ये चेयर है, कलर बहुत ही प्यारा लगा मुझे इसका, डार्क कलर है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। और इसमें ये मैंने चेयर पे गद्दी लगा रखी है, नीचे डस्टबिन है, और ड्रॉअर है ये, इधर इधर ये मैंने जुगाड़ करके एक स्टूल टाइप बना रखी है, ये इसके ऊपर मैं मेरा पानी का कैंपर रखती हूँ, जो फ़िलहाल मैंने नीचे छोड़ रखा है, फ़िलहाल मैंने नीचे छोड़ रखा है, उसमें पानी भरेगा फिर अपन उसे ऊपर लाएंगे। इधर ये मेरे पोर्शन में भी एक खिड़की है, मतलब सेम पोर्शन सेम है मेरी फ्रेंड का और मेरा, तो ये मेरे पोर्शन वाली ये खिड़की हो गई, इसमें मैंने ये प्यारा सा कुछ बना रखा है, क्या बोलूँ इसको, गमला गमला टाइप सा कुछ बना रखा है, और प्यारा लगता है, थोड़ा ग्रीनरी सी रहती है रूम में तो अच्छा लगता है। और ये इधर टेबल हो गई, उधर मैंने बेड लगा रखा है ये मेरा, और वो जो प्यारी सी है जिस पे लूडो खेलता है वो है स्टडी टेबल। ठीक है, ये मतलब मुझे बेड हमेशा से बेड पे बैठ के पढ़ने की आदत रही है, तो ये स्टडी टेबल में बैठ कर रखती हूँ और फिर इससे ही पढ़ते हैं। अभी पूरा ये वॉल खाली पड़ी है, तो इसे भी हम डेकोरेट करेंगे आगे के वीडियोस में। और ये वाली वॉल है जिस पे उधर हैंगर लगा हुआ था, पर वो अब टूट गया मतलब पहले लगा हुआ था, मैं आई थी जब लगा हुआ था, मेरे से ही टूट गया, मैंने ज़्यादा सामान लटका दिया था उस पर, तो इसीलिए अब मैं सेंटर वाले उसमें लगाती हूँ मेरे कपड़े। और ये मेडल्स हैं जो स्पोर्ट्स में मिले थे मुझे, ये अलमीरा है, ये बहुत ही इसमें मुझे बहुत ठीक करना पड़ा है, ये थोड़ी ओपन थी, मतलब कैसे बताऊँ, ये जो है ना थोड़ी दीवार से सेपरेटेड थी, तो मैंने इसमें पूरे में ऊपर से नीचे ब्लैक
कलर के पेपर घुसा दिए अच्छे से, ताकि मतलब अंदर मिट्टी ना जाए, और चूहे भी आ जाते हैं तो वो घुस जाते हैं यहाँ से, बहुत छोटी एरिया से घुस जाते हैं। तो ये अलमीरा है मेरी, इसमें ये प्यारा सा कांच है, और हाँ ठीक है कंटिन्यू। मैं शीशे में देख के बह गई थोड़ा। तो ये प्यारा सा कांच है, हाँ ये स्टिकर हटा लूँगी मैं, ठीक है। तो ये प्यारा सा कांच है, छोटा सा ही है, इसलिए हाफ पोर्शन ही दिखाता है एक बार में, आधा पोर्शन आप बेड के ऊपर चढ़ के फिर देख सकते हो। तो ये अलमीरा है मेरी, इसमें मैंने पेपर्स चिपका रखे हैं, ताकि क्योंकि इसमें मतलब वो अपना नॉर्मल अलमीरा जैसे होती है वैसी थी ये, तो इसमें मैंने ये अच्छे से जमा रखा है। ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, अगर आपको देखनी है अलमीरा तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि अभी मैंने अलमीरा साफ़ नहीं कर रखी ना, तो बाद में नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, ठीक है। और ये अलमीरा के ऊपर भी जगह है, यहाँ पे आप अपने बैग्स और कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो। तो मैंने भी थोड़े बहुत बैग रख रखे हैं, और एक मटकी रख रखी है, और प्राइजेस रख रखे हैं जो भी मुझे मिले थे, और बस इतना ही है। हाँ तो मैंने आपको मेरा रूम टूर दे दिया है पूरा। आई नो बहुत सारी कमी होगी वीडियो में, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी वॉल्स हैं जो अभी मेरी भी एकदम प्लेन है, मेरी फ्रेंड की सजी हुई है, तो उसका भी रूम टूर दूंगी मैं आपको, और मेरा वाले को अपन मिलके सजाएंगे साथ साथ में, फिर उसका रूम टूर अच्छा सा एस्थेटिक सा रूम टूर करेंगे बाद में। और बाकी आपको मैं ओल्ड हॉस्टल का भी रूम टूर दूंगी, और अगर मतलब और कुछ भी आप जो जानना चाहते हैं सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के बारे में, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। हालांकि मैं कभी बाहर तो कैमरा पकड़ ही नहीं सकती, मुझसे फोटो नहीं खिंचाई जाती बाहर, पता नहीं मैं ब्लॉगिंग कैसे करूँगी, पर आपके लिए कुछ भी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।